कोयला घोटाले में होगी राजेंद्र दर्डा की छुट्टी। कोयला घोटाले में आरोपी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राजेंद्र दर्डा की छुट्टी हो सकती है। कांग्रेस नेतृत्व ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को संदेश भेज दिया है कि दर्डा से इस्तीफा लिया जाए। राजेंद्र दर्डा कांग्रेस सांसद विजय दर्डा के भाई हैं। सीबीआई ने कोयला घोटाले में राजेंद्र दर्डा के खिलाफ केस दर्ज कर रखा है। कल ही सीबीआई ने राजेंद्र दर्डा और उनके भाई विजय दर्डा के खिलाफ केस दर्ज किया था। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा की छुट्टी हो सकती है। कोयला घोटाले में आरोपी हैं राजेंद्र दर्डा। कल ही सीबीआई ने राजेंद्र दर्डा और उनके भाई विजय दर्डा के खिलाफ केस दर्ज किया था। और अब कांग्रेस आला कमान ने साफ कह दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को कि दर्डा को कैबिनेट से हटाया जाए। कांग्रेस नेतृत्व ने पृथ्वीराज चव्हाण से कहा है कि वो दर्डा को कैबिनेट से हटाएं। राजेंद्र दर्डा जिनके खिलाफ केस दर्ज किया है सीबीआई ने कल ही कोयला घोटाले मामले में, राजेंद्र दर्डा और उनके भाई विजय दर्डा आरोपी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रवि धीमान का। रवि, साफ कर दिया है कांग्रेस आला कमान ने कि राजेंद्र दर्डा के खिलाफ अब क्योंकि केस दर्ज किया गया है कैबिनेट में उन्हें नहीं रखना, यानी कभी भी छुट्टी हो सकती है राजेंद्र दर्डा की? जी बिल्कुल, एक तरह से आप मान लीजिए कि राजेंद्र दर्डा की बलि देने को तैयार है कांग्रेस। राजेंद्र दर्डा के खिलाफ FIR सीबीआई ने उनका नाम FIR में है और उसके बाद अब आलाकमान की तरफ से ये संदेश जा चुका है। औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा थोड़ी देर में हो जाएगी। राजेंद्र दर्डा को मंत्रिमंडल से हटने को कह दिया जाएगा। पृथ्वीराज चव्हाण को इस बात का संकेत भी दे दिया जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति शायद यही है, क्योंकि इस पूरे घोटाले में भी और भी पार्टियों के संलिप्त और भी पार्टियों से जुड़े हुए नेताओं के संलिप्त होने का अंदेशा है। इसलिए कांग्रेस अपने सदस्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही है, ताकि आगे चलकर अगर भविष्य में कभी कांग्रेस को इस बात का मौका मिले तो वो दूसरों पर निशाना साधने से बिल्कुल ना चूके। तो शायद इसलिए राजेंद्र दर्डा इतनी बड़ी मछली नहीं है, छोटी मछली है, उनसे इस्तीफा देने को कहा जाएगा। बिल्कुल रवि, इसके साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की रणनीति भी साफ दिखाई दे रही है कि अगर उनकी पार्टी से कोई सांसद या कोई नेता इस घोटाले में लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ताकि विपक्ष को अब किसी और बात पर सरकार पर या कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का मौका ना मिले। बिल्कुल, कांग्रेस की पूरी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि अब तक कांग्रेस रिसीविंग एंड पर है इस पूरे कोयला घोटाले के चलते। अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ उसके नेता नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़े हुए कई नेताओं के संलिप्त होने का अंदेशा है कांग्रेस को। और पार्टी ऐसी उम्मीद लगाए बैठी है कि जब पूरी परतें खुलेंगी तफ्तीश के बाद तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं पलटवार करने का मौका मिलेगा, और उसी मौके के इंतजार में अभी से अपने हथियार करने शुरू कर दिए हैं। शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। अभी से कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है कोयला घोटाले को लेकर। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से एबीपी न्यूज संवाददाता नीलेश खरे भी जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कहें, कब तक बाहर का रास्ता कैबिनेट से दिखाया जा सकता है अब राजेंद्र दर्डा को? इस वक्त राजेंद्र दर्डा नासिक में है। नासिक में शिक्षक दिवस के तौर पर जो कार्यक्रम रखा गया था उसके लिए खुद मुख्यमंत्री वहां पर है। मुख्यमंत्री और राजेंद्र दर्डा साथ में है। जिस प्रकार की खबर आ रही है, कांग्रेस ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को कह दिया है कि राजेंद्र दर्डा का इस्तीफा लिया जाए। शाम तक इसके बारे में अंतिम फैसला जो है आता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो राज्यपाल को यह भेज दिया जाएगा और तुरंत ही ये अमल में लाया जाएगा। आज शाम तक इस बारे में खबर आ सकती है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस इस्तीफे द्वारा महाराष्ट्र में और राजनीति में यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो जो मंत्री विवादित हुए, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें कांग्रेस ने कहीं बचाव नहीं किया, उनको दूर कर दिया गया राजनीति से और पदों से। महाराष्ट्र में NCP के भी कई मंत्रियों पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन NCP ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। अगर ये इस्तीफा कांग्रेस लेती है तो इसके द्वारा NCP पर कांग्रेस ये भी दबाव डालेगी कि NCP के जो नेता भ्रष्टाचार के अलग अलग आरोपों में फंसे हैं उन पर भी NCP जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं, आने वाले 8 से 10 दिनों में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में का विस्तार होना है, तो इसमें जरूर एक बड़ा बदलाव जो है वो इस मौके पर दिख सकता है। पर अभी तुरंत अगर कोई बात है तो वो राजेंद्र दर्डा का इस्तीफा आज शाम तक लिया जा सकता है, इसके साफ तौर पर संकेत जो है वो मिलने लगे। शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। आज शाम तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। आज शाम तक राजेंद्र दर्डा का इस्तीफा महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया जा सकता है। और कल जब CBI ने केस दर्ज किया था कोयला घोटाले में राजेंद्र दर्डा के खिलाफ, तब राजेंद्र दर्डा ने क्या कहा था वो सुनिए।
असं आहे, किरीट सोमय्या माझा बॉस नाही पहिली गोष्ट, आणि किरीट सोमय्या काही हा पोलीसचा अधिकारी नाही, समजलं ना? ज्या वेळेला माझ्याबद्दल जर मी दोषी आढळलो तर मी राजीनामा मागायला कोणाची वाट पाहत नसतो, फेकत असतो.